हमारे मयूर भाई आए थे 1 महीना पहले, तो 1 महीने से उन्होंने काम चालू किए हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब आदमी बोला और हो गया। तो हुईलासर साहब पाटिल साहब ने मयूर को मेरे साथ में दिया और हम लोगों ने वहां से काम की मुहिम चालू किए। मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 5 कसाईवाड़ी के अंदर खिजरा रोड, यहाँ पे सफाई की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। सफाई नहीं होती थी। उनका वार्ड मतलब कितना चमकते रहता, हमारे लोग जाके उधर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। आज हमारे एरिया में कचरा भी रोज उठ रहा है और गटर का भी सफाई का काम चालू है अभी, और कुछ दिन में इंशाल्लाह बोले कि हम गटर को नवी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग सबने प्रस्ताव ये रखा है कि नई गटर बनाने का है। कचरा तो रोज साफ सफाई हो रहा है, जैसे उनका तकरार आती है वैसे ही उसका निवारण हम रोज कर रहे हैं। मयूर भाई का, मयूरेश भाई का, विलास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एरिया में थोड़ा तो ध्यान दिए, तो कोई ध्यान देने का भी आया नहीं आज तक। हमें भी अच्छा लगा कि हमें भी काम करने का मौका दिया। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका द वॉइस न्यूज़ में। अभी हम खड़े हैं कसाईवाड़ा में, सुदेश नगर में, और हमने कुछ दिन पहले यहाँ कसाईवाड़ा में एक न्यूज़ बनाया था जहाँ के लोग उससे काफ़ी परेशान थे पानी से, और पानी नहीं आता पीने का, तो उनको बोरिंग से पानी भरना पड़ता है। गटर वगैरह काफ़ी गंदी है और कचरे वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं, वो लोग काफ़ी परेशान थे। और हमें यहाँ के स्थानिकों ने बताया कि ये लोग महानगर पालिका जाके अर्जी दे दे के थक चुके थे, बहुत कम काम होता था। और अगर कोई महानगर पालिका से काम करने आता भी था तो बस काम इतना करता था कि अपनी जान छुड़ा के चला जाता था, प्रॉपर सही से काम नहीं होता था। तो यहाँ के लोग काफ़ी थक हार के विलासर पाटिल के ऑफिस में गए और इन्होंने वहाँ उनको सारी चीज़ें बताया, और फिर उनके बताने के 1-2 दिन बाद ही उधर एक्शन लिया गया और गटर वगैरह साफ़ हो चुकी है, नाली वगैरह साफ़ हुई है, और इधर पानी वगैरह का भी उन्होंने आश्वासन दिया है, और कचरे वगैरह भी साफ़ कर लिया गया। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, और हम मयूर पाटिल से भी बात करेंगे जो कि विलासर पाटिल के बेटे हैं, और देखते हैं कि उन्होंने इधर क्या काम करवाया और लोग इस काम से खुश है या लोगों का इस चीज के ऊपर क्या कहना है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बोलिए? मेरा नाम शिवू कुरैशी है। आज सालों से हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है मोहल्ले में, साफ सफाई को लेके, पानी को लेके, डेनिश लाइन को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो हमारे मोहल्ले कुछ लोग विलासर पाटिल साहब के पास गए और अपनी तकलीफ बताई कि ऐसे ऐसा मोहल्ले में तकलीफ है, ना पानी आ रहा है, ना गटर की साफ सफाई हो रही है, ना डेनिश लाइन साफ होती है। तो विलास पाटिल साहब ने अपने लड़के मयूर भाई को भेजे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15-20 दिन से रेगुलर लगे हैं वो साफ सफाई को लेके, और डेनिश लाइन वगैरह जो टूटी उटी है, गटरे है, खड़े होके खुद बारिश में भीग के उन्होंने गटर साफ सफाई करवाई। वो सामने देख रहे आप, चेंबर टूटा था, महीनों से टूटा, कोई झाँकने नहीं आया। मयूर भाई ने 2 दिन में उसको चेंबर भी लगवा के दिए, और अंदर बहुत सी गटरें डैमेज है, उन्होंने सर्वे भी कर गया मयूर भाई ने, और बोले इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द गटर में बना के दूंगा। क्या टाइम आगा मयूर भाई ने आपका? अब टाइम तो ऐसा है, बारिश का इतना प्रॉब्लम है, इतनी बारिश हो रही है, अब जैसा बारिश रुकेगी और जैसा साधन रहेगा इंशाल्लाह बोले वो करके देंगे। अब टाइम का क्या है, हफ्ता 15 दिन महीना जो भी टाइम लगे, बारिश भी इतना गिर रही है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, काम का कैसे आश्वासन दे 15 दिन में 20 दिन में। मतलब अभी थोड़ा काम हुआ है और थोड़ा काम बचा हुआ है। हाँ, बहुत सा काम साफ सफाई को लेके और डेनिश लाइन को लेके, पानी को लेके हुआ है। अभी जो गटरे डैमेज है उनको बनाने का काम इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो ये काम कितने साल बाद बताओगे आप? अरे हमारी नज़र में कम से कम गटर तो 20-25 साल से बनी नहीं, गटर बनी नहीं, बनी नहीं। हाँ, और साफ कब से नहीं हुई? साफ सफाई का कोई वो नहीं है, बहुत कभी कोई आ गया, हाँ मोहल्ले वाले मिल के प्राइवेट आदमी लगा के साफ सफाई करते है, कॉर्पोरेशन कभी आई, बहुत ज्यादा लोगों ने अर्जी मारे तो आते दिखावे के लिए, थोड़ा बहुत साफ सफाई करके चले जाते हैं। ना साफ सफाई हुई है और ना ही गटर बनी है, ना ही यहाँ पानी है। वो आप देख रहे पानी का पाइप जो दिख रहे ब्लू सा वगैरह, जरा फोकस वो मारिए कैमरा, ये कोई पावर की लाइन नहीं है, ये सब पानी की पाइप है लोगों के घरों में। इतनी ज्यादा तकलीफ है,
कि लोग बोरिंग का पानी यूज कर रहे हैं आज 10-15 साल से, पानी तो यहाँ जरा भी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मयूर भाई बोले है कि हम पानी का भी लाइन करके देंगे और पानी यहाँ आएगा। और क्या तकलीफ है पानी कचरे के अलावा, नाले के अलावा? अब जो कॉरपोरेशन का काम वो हर चीज की तकलीफ है, कॉरपोरेशन का जो भी काम है ड्रेनेज लाइन को लेके, पानी को, साफ सफाई को, कचरा झाड़ू वाले नहीं आते, कचरा दो दो तीन तीन दिन पड़े रहता है, ऐसा की पीछे लगे रहो, नहीं पड़ा तो फिर जीएम को फोन लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मयूर भाई साथ में है, कुछ भी रहता है फोन करो, ताबड़ तो आगे कचरे वाले कचरा ले आते, साफ सफाई चालू ही है। तो अभी आप खुश हो एकदम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मयूर भाई से हम बहुत खुश है। मयूर भाई से की विलासर पाटिल और मयूर भाई को अलग थोड़ी है, भेजे तो उन्होंने ना विलासर पाटिल ने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। तो काम वगैरह कैसा लग रहा है? नहीं नहीं बहुत अच्छा काम चल रहा है, और सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि हमने एक दिन पहले इनको बोले और दूसरे दिन से, असल में मसला क्या चल रहा है कि चारों तरफ गटरे भरी है, लोगों के घर में पानी जा रहा है, तो कामगार से जो मेन ऑफिसर है उनसे मेरी बात हुई, साहब ने नंबर दिया, मयूर साहब ने नंबर दिया कि आप इनसे रब्ता करो, मैं इनसे मिलते जुलते रहा तो ये मेरे को बताए, दो तीन दिन के बाद आए नहीं तो मैं इनसे पूछा, मतलब नहीं आने का कारण क्या है, तो मुझे बुला के बैठाए, बोले आदमी है कम और बारिश हो रही है ज्यादा, तो जैसे लोगों के घर में पानी चले जा रहा है, हम पहले वहां का देख रहे हैं, जो गटर भरी है ऊपर से पानी जा रहा है वो अलग मसला, लेकिन घरों में पानी जा रहा है वो ज्यादा खतरनाक कारण है, तो इसके लिए हम वहां देख रहे हैं, तो आप वो जरा भी मतलब टेंशन मत लो, हम जैसे भी मतलब मिलेगा वक्त हम आके करेंगे। तो एक दिन मेरे फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे से आके वो लोग शाम 6 बजे तक 5 बजे तक पूरा करके करेगा, और उसमें भी थोड़ा सी अभी काम रुका हुआ है, वो मेरे को बोले भाई जैसा भी हमको टाइम मिलेगा वो हम आके करके जाएंगे, तो हमको बहुत राहत है, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब आदमी बोला और हो गया, मतलब बटन दबाया नहीं कि वो कोई चीज मशीन रहती बटन दबा चालू हो जाती, वो ऐसा काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ कर रहे यहाँ बोला जा रहा है और यहाँ डायरेक्ट काम हो जा रहा है। कुछ कहना चाहोगे आप विलासर पाटिल के लिए? नहीं नहीं विलासर पाटिल हमारे मतलब हम दिल से चाहते हैं कि वो जीत के आए, हाँ हम सच चाहते हैं कि वो जीत के, क्योंकि उनका जो वार्ड है हम सब देखे हुए हैं उनका वार्ड, मतलब कितना चमकते रहता, हमारे लोग जाके उधर रेस करते हैं, बैठते हैं बाइक लगा के शाम में देखेंगे, हमारे घर की औरतें जाती है उधर पे अपना ये आदर्श पार्क में सब वॉक करते हैं, समझ रहे, हमारे इधर ऐसा कोई गार्डन नहीं है, एक आरिफ गार्डन है तो बहुत दूर पड़ जाता, मतलब हमारे एरिया में भी एक गार्डन होना चाहिए, समझ रहे, ये सब हमारे को आरजू है, तो कोई ऐसा आदमी जीत के आएगा जो खुद विकास करने के माइंड रखता हो, समझ रहे, जिसकी हॉबी हो कि विकास, खाली विकास, तो हम चाहते कि ऐसा कोई आदमी आए करने के लिए, हाँ तो बहुत दिल से हम चाहते कि वो आए। ये क्या लग रहा है आपको, काम वगैरह हो रहा है तो बताइए कुछ? काम के मामले में मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो बागे फिरदौस मस्जिद की तरफ और खिजरा मस्जिद की तरफ, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत सारा कचरा बहुत जमा हो रहा था, बार बार मतलब बोलने के बाद में भी प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा था, घंटा गाड़ी नहीं आ रही थी, तो मयूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मैं उनके थ्रू विलासर पाटिल साहब के पास गया, उन्होंने बताया कि ये सब मसला, ये समस्या है इस मोहल्ले की, और ये मोहल्ले की समस्या को पूरा नहीं किया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि अभी जैसे म्यूनसिपलिटी डिसॉल्व है तो कमिश्नर के थ्रू काम होता है, अभी हम कॉर्पोरेटर्स नहीं है और हमारे से काम अभी कैसे होगा, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, तो मैं ये समस्या लेके गया वहाँ पे विलासर पाटिल साहब के साथ में, तो मयूर मेरा काफी अच्छे दोस्त, साथ में क्रिकेट विकेट खेले हम लोग, तो विलासर साहब पाटिल साहब ने मयूर को मेरे साथ में दिया और हम लोगों ने वहाँ से काम की मुहिम चालू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने दो दिन पहले भी मतलब बागे फिरदौस का पट्टा और जो बागे फिरदौस के सामने जो स्लम्स एरिया है वहाँ पे भी पूरा हम लोगों ने पूरा छानबीन किए कहाँ कहाँ काम हो रहा है, और सबकी साइन और सहमति से भी हम वहाँ पे गटर के काम और सब करने जा रहे, कचरे का काम भी चालू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, दो दिन पहले अच्छी सफाई हुई और आज बारिश के कारण हो नहीं पाया, लेकिन मयूर लगातार लगा हुआ है उसके पीछे और उस काम करने के पीछे, और इस तरह से अगर काम होते रहेगा तो पब्लिक को सिर्फ ये काम चाहिए और दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए, निजामपुर की पब्लिक है उनको सिर्फ काम चाहिए कि हमारे एरिया में काम होना चाहिए, अच्छी गटर होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, कुंडियाँ लगनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने मयूर को बोला और मयूर ने मुझे मतलब उम्मीद दिलाई है कि मैं काम बहुत जल्दी करूँगा, और जिस तरीके से उनका वर्कआउट दिख रहा है, डेली कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, डेली बात हो रही है क्या काम चल रहा है क्या नहीं काम चल रहा, जितने ही मयूर की पूरी टीम है तो वो पूरी बहुत अच्छे से काम को लगी हुई वहाँ पे। बोलिए क्या कहोगे आप? मेरे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 5 कसाईवाड़ी के अंदर खिजरा रोड, यहाँ पे सफाई की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, सफाई नहीं होती थी और हम लोग ने बहुत बार नगर पालिका गए, सब जगह भाग दौड़ किए, कोई सफाई गटर मतलब कोई मुद्दे पे यहाँ काम नहीं हुआ, आज यहाँ 20 साल से कोई चीज़ का काम नहीं हुआ, ना ही झाड़ू मारने वाले सही से आते हैं, ना ही कचरा उठाने वाले आते हैं, आज हमने 4-5 दिन पहले मयूर भाई से विलास पाटिल साहब से हम लोग मिले, उनसे हमने बात रखे कि हमारे एरिया में ये तकलीफ है, तो उन्होंने अपने आदमी भेजे, अपने बेटे को भेजे मयूर भाई को, मयूरेश भाई को, आज हमारे एरिया में कचरा भी रोज उठ रहा है
और गजर का भी सफाई का काम चालू है अभी, और कुछ दिन में इंशाल्लाह बोले कि हम गजर को नवी बनाने की कोशिश करेंगे। कचरा ये पहले तो साफ हुआ है, कैसा रहा कचरा थोड़ा इधर बताओ देखो। नहीं पहले तो कैसा था मालूम क्या, पहले यहाँ पे कचरा नहीं उठता था, और उठता भी था तो तीन दिन चार दिन में एक बार कचरा उठता था। अभी कैसा ना, रोज कचरा उठ रहा है और रोज सफाई भी हो रही है, झाड़ू मारने वाले भी अभी रेगुलर आ रहे हैं। कचरा आज उठा है नहीं उठा है? आज उठा सामने, बस खाली कैसा ना, एक आदमी की तबीयत खराब थी, क्या नाम दीपक, उसकी तबीयत खराब थी तो वो आया नहीं, बाकी एक गाड़ी वाला आके पूरा साफ करके गया अपना कचरा। साफ सफाई प्रॉपर हो रही है? हाँ प्रॉपर साफ सफाई हो रही है रोज, आज खाली वो बीमार है तो नहीं आया। और कुछ बोलोगे? और क्या बोलूँ, मयूर भाई का, मयूरेश भाई का, विलास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एरिया में थोड़ा तो ध्यान दिए, तो कोई ध्यान देने का भी आया नहीं आज तक। मयूर भाई जरा बताओ कि आपने इधर क्या काम किया और अभी क्या काम बाकी है? पिछले 10 से 20 दिन पहले सब नागरिक यहाँ के एक एक दो दो करके नागरिक हमारे पास आए, यहाँ सब समस्या उन्होंने बताया, गटर की समस्या, पानी की समस्या, कचरे का समस्या, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हमने आके उस दिन आके रात में सर्वे किए तो हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ गटर जाम है, मतलब समझो आज वो ST डेपो के इधर से पूरा गटर जाम है, इसके लिए वो गटर जाम होने की वजह से यहाँ गटर का नाला पूरा आगे साफ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने अधिकारी से भी बात किया, अधिकारी को ये बोलना है कि कहाँ कहाँ चेंबर है नहीं, वहाँ चेंबर है नहीं, इसके लिए साफ सफाई हो नहीं पा रही बराबर, तो उसके लिए नई गटर बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव रखा है और सब नागरिकों का सहकार्य, हमने सब नागरिकों से पूछा कि मेन चीज़ें तुम्हारी क्या है, तो उन लोग खाली बोले कि हमारा गटर साफ सफाई चाहिए और पानी की जो इन लोग ने बोरिंग लगाया है, बोरिंग से उनको पानी आता है, लेकिन उनका बोलना यह है कि हमें नगर पालिका के थ्रू पानी चाहिए, क्योंकि इनका पाइप जो जाता है, आज मैंने देखा कि पूरा पाइप उनका ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से पाइप नीचे आता है, वो बोरिंग का पानी, अब बाकी के इधर से पूरा लाइन जाता है मेन खिजरा मस्जिद के रोड से तो भागे फिर दोस्त तक पूरा लाइन आया है, लेकिन यहाँ अंदर लाइन आया नहीं पानी का, तो उनका यही कहना है कि हमें टाइम टू टाइम पानी आना चाहिए तो कैसा उनको भी मूलभूत सुविधाओं मिलेगी। तो अभी हम लोग सबने प्रस्ताव ये रखा है कि नई गटर बनाने का है, कचरा तो रोज साफ सफाई हो रहा है, जैसे उनका तकरार आती है वैसे ही उसका निवारण हम रोज कर रहे हैं। तो अभी पानी के लिए आपने क्या सोचा है? पानी के लिए हमने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने एस्टिमेट भी वो सब चीज़ों का बनाया, हमने ऊपर तक बात की है, सब फॉलोअप ले, सब फॉलोअप है, सब नागरिकों का हमें सहकार्य मिला है, नागरिकों भी ले जाएंगे अधिकारियों से बात करके, जैसा रहेगा वो आपको एक 10 दिन के अंदर सब मालूम पड़ जाएगा। आप कुछ कहना चाहोगे यहाँ के स्थानिकों को, कुछ मैसेज देना चाहोगे? स्थानिकों को बस यही कहना है कि स्थानिकों ने हमें बहुत सहकार्य किया, लेकिन इशू ऐसा है, मेनली इशू ऐसा है कि कचरा जो लोग यहाँ डब्बे में रहता है कचरा, लेकिन कैसा डब्बे बहुत कम है, कहीं कहीं जगह डब्बे रखते हैं रात में कैसा चोरी हो जाते हैं, मूलभूत सुविधा है ऐसे कि नहीं है, लेकिन यहाँ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो सहकार्य करे, वो भी जिम्मेदार बने कि वो वहाँ पे ध्यान रखे वो सब चीज़ों का, कचरा वहाँ फेंके नहीं, टाइम टू टाइम साफ सफाई के साथ, घंटा गाड़ी आती है टंपर आते हैं कचरा उठाते, लेकिन कैसा उनका भी एक टाइमिंग रहता है, टाइमिंग वो टाइमिंग पे उठाने के बाद भी कचरा वहाँ जम जाता है और अभी बारिश ज़्यादा होने के कारण कचरा वहाँ से बह जाता है, तो भी हमारा नियोजन ऐसा है कि जैसे ही हमको फ़ोन करते वैसे हम गाड़ी तुरंत वहाँ से भेज देते कि कचरा वहाँ पूरा साफ सफाई हो जाए। और कुछ बोलोगे आप? कुछ नहीं, बस यही है कि नागरिक को जो समस्या थी पाटिल साहब का लेके आए, हमें भी अच्छा लगा कि हमें भी काम करने का मौका दिया, और बाकी और एक बात ऐसी है कि नागरिकों का सबसे बड़ा मसला ये था ताशा बाउडी को लेकर, ताशा बाउडी को जो कचरा यहाँ जमा होता है वो इसलिए जमा होता है कि JCB यहाँ जब आती है, JCB जब अपना वो फावड़ा मारती है तो फावड़े मारने के बाद वो खड्डा वहाँ खोद जाता, खड्डा हो जाता है, इसके अलावा पानी जम जाता है, पानी जमने के बाद में कचरा उठ नहीं पाता बराबर वहाँ से, तो अभी थोड़ा सा बारिश जैसे कम होएगा ना वैसे यहाँ हम खोबा करके देंगे, खोबा करने के बाद नगर पालिका से हम डब्बे ले आएंगे, 12 से 13 डब्बे लेके, क्योंकि यहाँ की संख्या लोकसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से 12 से 13 डब्बे लेके आएंगे छोटे छोटे डब्बे, क्योंकि बड़ा डब्बा जो है वो आज फिलहाल बंद है, इसके लिए डब्बर अभी यहाँ आएगी रोज, वो खोबा करके हम डब्बा यहाँ रखेंगे तो कचरा खाने के कारण डब्बे के अंदर जाएगा और टाइम टू टाइम कचरा उठते जाएगा, यहाँ साफ सफाई वैसी होगी। और नागरिक को भी ये अपील है मुझे कि कचरा उसी डब्बे में डाले, कि नागरिक के आप भी यहाँ रहते, आपके भाई बहन सब यहाँ नागरिक यहाँ गुजरते, तो कैसा सुविधा उनको भी अच्छी हो जाएगी, आने जाने का रास्ता भी अच्छा हो जाएगा और दिखने भी आपका एरिया अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय काफ़ी खुश है विलासर पाटिल और मयूर पाटिल से, और उनके काम से काफ़ी खुश है कि उनका नाली वगैरह साफ करके मिला है और कचरा वगैरह उठ चुका है और पानी वगैरह का भी उन्हें आश्वासन दिया गया है और वो काम भी जल्दी से कम्प्लीट हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।